अभी मुझे काफी लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ बाय। मैंने अपना पूरा जीवन जिन बच्चों के पीछे लगा दिया, आज उन्हीं बच्चों को मेरे लिए 5 मिनट का फुर्सत नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा, और ये रही आपकी गिफ्ट, मेरी फेवरेट घड़ी। वाह बेटा वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पर पापा सॉरी, शाम को आपके बर्थडे पार्टी में मैं नहीं रह पाऊंगा, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप लोग अच्छे से मजे से इंजॉय कीजिए, और शाम को ना मेरे ऑफिस का पार्टी है तो वहीं पे रहना है, काफी जरूरी है, तो चिंता नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम जरूर रहूंगा। अभी ना काफी लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बेटे सिर्फ घड़ी नहीं, कभी अपना समय भी तो दिया करो। बेटा सुनो ना। अरे माँ कितनी बार समझाया हूँ, कहीं निकलते टाइम मत टोका करो। सॉरी बेटा, आप नहीं टोकेंगे, फोन बनवा दो। माँ इतने पुराने फोन का क्या करोगी, मैं नया ला दूंगा, फेंक दो इसे। नहीं बेटा, इसी को बनवा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना क्यों जिद कर रही हो, कोई खजाना है क्या इसमें? कुछ ऐसा है समझ लो। अच्छा ठीक है, बनवा देता हूँ। और बेटा शाम को? माँ अभी कुछ मत बोलो, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, निकलता हूँ मैं। ओ तानिया, बैग लाना मेरा। बेटी कहीं जा रही हो क्या? हाँ पापा, वो दोस्तों के साथ आज पार्टी है। बेटा 5 मिनट लगेगा, ये पेपर समझा देगी? अरे नहीं पापा, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी मुझे काफी लेट हो रहा है, आप भाई को दिखवा लो ना। अरे उसे तो और भी फुर्सत नहीं है, पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगी, अभी मुझे काफी लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ बाय। मैंने अपना पूरा जीवन जिन बच्चों के पीछे लगा दिया, आज उन्हीं बच्चों को मेरे लिए 5 मिनट का फुर्सत नहीं। दीदी और कुछ मत लाना, नाश्ता का टाइम नहीं है, अभी नहीं कर पाऊंगा। बेटे इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो, जब सुकून से नाश्ता करने का भी समय नहीं। अरे पापा आप कुछ नहीं समझोगे। बेटा ये पेपर। अरे इसके लिए क्यों हड़बड़ा रहे हो आप, मैंने बोला है ना कि जब टाइम मिलेगा मैं देख दूंगा, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। बेटे पिछले 15 दिन से ये पेपर लेकर हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई सरकारी दफ्तर में आम आदमी घूमता रहता है। 5 मिनट तो लगेगा, अंग्रेजी में है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। पापा प्लीज आज छोड़ दीजिए, या आप दीदी से पढ़वा लीजिए ना। दीदी तुमसे बोलती है और तुम दीदी से बोलती हो, यही तो हो रहा है। खैर छोड़ो, ये तुम्हारा 5 लाख का पॉलिसी मैच्योर कर गया है, ये पैसा तुम अपने अकाउंट में ले लेना, तुमको तो अभी फुर्सत नहीं है, जाओ शाम को बात करते हैं। अरे नहीं क्या लेट, कोई लेट नहीं हो रहा, बताइए ना कितना 5 लाख का है, साइन वाइन करना है क्या कहीं पे? हाँ बेटे साइन तो करना था, लेकिन आराम से शाम को कर लेना। नहीं बताइए ना अभी कहाँ करना है, इसमें ये हम कर रहे हैं, अभी तुरंत पैसा उस समय लेट नहीं करना चाहिए, यहीं पे ना। लीजिए। और पापा पैसा कब तक आ जाएगा अकाउंट में? फॉर्म जमा करने के 10 मिनट बाद। तो पापा प्लीज जमा कराइएगा ना, 10 मिनट तो लगेगा ऑफिस जाने में, प्लीज। ठीक है बेटा। बेटा वो मम्मी का फोन। ओ सेट, मैं तो भूल ही गया था पापा, मैं रात को रिटर्निंग के समय ले आऊंगा, ठीक है, माँ को आप बता दीजिएगा, अभी लेट हो रहा काफी, मैं चलता हूँ। वाह बेटे वाह, पैसे के लिए टाइम है, बाप के लिए नहीं, बढ़िया है। माँ ये लीजिए अपना खजाना वाला फोन। बेटे अकाउंट में 5 लाख आ गया ना? हाँ पापा आ गया था, वो बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा पापा वो पेपर लाइन आपको समझा देता हूँ। वो तो हो गया बेटा, आज मेरे एक दोस्त आए थे उसी ने समझा दिया। ओह चलिए बढ़िया है। अच्छा अभी मैं जाता हूँ, सुबह जल्दी निकलना है। दीदी शाम को टाइम पे रेडी रहिएगा।
मूवी बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। आप फिर से आज लेट मत कर दीजिएगा उस दिन की तरह। अरे नहीं माँ, आप भी बेकार का परेशान हो रही हो। आप लोग मजे से खाना पीना खाइए, अच्छे से रहिए। आपका बेटा बड़ा हो गया है, अपना ख्याल खुद से रख सकता है। और बहुओं की चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज में ही बहू भी ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, अभी तो जैसे पढ़ाई खत्म होगी फिर मैं जॉब करने लगूंगा, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत। क्या है ये? खजाना। मेरे कॉलेज टाइम की रिकॉर्डिंग। दीदी माँ ये फोन बनवाने। मैंने सब सुन लिया भाई। बेटा ये घर में रहते हुए ठीक से तुम लोग बात नहीं करते हो, जमाना हो गया ठीक से बात किए हुए। जब भी दिल नहीं लगता है तो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस माँ बस, आज हमें अपने गलती का एहसास हो गया। हम बच्चों को जब आप लोगों का समय चाहिए होता है तब तो माता पिता हम पे अपना प्यार और समय सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब हमें आप लोगों को समय देना चाहिए तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। माँ हमें माफ़ कर दो, आज हमें पता चल गया कि हमारी इस हरकत से कितना अकेला फील करते होंगे आप लोग। एक ही घर में रह के ढंग से 5 मिनट हम लोग आपसे बात भी नहीं करते। माँ आज से आपके और पापा के लिए हमारे पास सबसे पहले समय होगा, उसके बाद ही कुछ हो। काहे के लिए इतना पैसा पैसा, इतना भाग दौड़, जब हमें अपने माता पिता के लिए ही फुर्सत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं चाहिए। चाहे लाख समाई धन दौलत, ये बंगला कोट बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं, ये लाख नहीं, ये खाक है सब। इस राज को मत भूलना। दोस्तों अक्सर यह बात हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारे माता पिता की भी उम्र बढ़ रही है, वो लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, और वो लोग एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारा समय, साथ और प्यार उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। बचपन से उन्होंने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट ऐसे स्टेज पे जब उनको हमारा टाइम चाहिए, हम लोग हमेशा टाइम ना होने का बहाना बनाकर निकल जाते हैं और समय नहीं देते हैं। हमारे पेरेंट्स को हमारा सिर्फ टाइम चाहिए होता है, हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। प्लीज़ सभी लोग अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उन्हें समय दीजिए, उनकी केयर कीजिए। अगर वीडियो ने दिल जीता है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबको हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।